हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टूपर स्मैंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम को, या फिर आप इसको नंबर कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नंबर कन्वर्जन। इसमें हम जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है, इनको एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो सीखना है हमें इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो चार तरीके का होता है कंप्यूटर में: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी का मतलब बेस अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इस बेस का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है और डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का कितना होता है। ठीक है, बाइनरी का बेस का मतलब 2 क्या, इस 2 का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है। कौन कौन सी होती है? 0 और 1। ठीक है, कोई भी जो नंबर है उसकी उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी वो 0 से ही शुरू होगी। जैसे ऑक्टल में 8 होती है तो 0 से लेकर 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 0 से 7 तक जिसमें कोई नंबर है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा ऑक्टल नंबर रहेगा। डेसिमल में हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 8, तो ये 1 8, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर बाइनरी नंबर अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ 0 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 8 है, तो ऑब्वियसली ये बाइनरी नंबर नहीं है। अब ऑक्टल में भी अगर आप देखेंगे 0 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो 18 जो है वो ऑक्टल नंबर भी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होती है, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो 1 और 8 में दी गई है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है। तो ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। हेक्साडेसिमल में अगर हम बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक होता है। ठीक है, 15 तक, यहाँ पर 9 तक तो ऐसे ही चलता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 को फिर हम क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखा जाता है, फिर 14 को ई लिखा जाता है और 15 को एफ लिखा जाता है। तो 0 से लेकर एफ तक जो है ये हेक्साडेसिमल की रेंज होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक नंबर को मैंने हर एक फॉर्म में लिखा है, जैसे डेसिमल में 0 0 रहेगा, लेकिन बाइनरी में इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4 टाइम 0 हो जाएगा। ऑक्टल में 0 रहेगा, हेक्साडेसिमल में 0 रहेगा। ठीक है, 1 को अगर आप देखेंगे तो 0 0 0 1 है, ऑक्टल में ये 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। तो आप यहाँ पे पहले एक बार डेसिमल नंबर देखते हैं, तो डेसिमल नंबर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेंज नहीं दी गई है, रेंज मत समझना यहाँ पे कि डेसिमल में तो सिर्फ 0 से 9 तक होता है, ऐसा नहीं है। 0 से 9 तक नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 15 दिया गया है। ठीक है, अब 15 में देखिए 1 और 5 आया है, तो 0 और 9 के बीच में ही आ रही है वैल्यू, तो ऑब्वियसली डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑक्टल में अगर आप देखेंगे तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 7 तक होता है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं आएगा ऑक्टल नंबर कभी भी। फिर उसके बाद 10 होगा, 10 मतलब 10 होगा, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 18 नहीं होगा, 17 हो सकता है, ना 19 होगा, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं होंगे, ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके चलिए, फिर हेक्साडेसिमल आप मैंने आपको बताए थे 9 तक कैसे कैसे चलेगा, फिर ए बी सी डी ई एफ और इस तरीके से फिर ये चलता जाएगा। बाकी चीजें तो हम याद रख सकते हैं। अब बात आती है बाइनरी नंबर्स की, कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स देखते हैं एक बार कि किस तरीके से नंबर्स आपको याद रखने हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए सिर्फ एक रूल पता होना चाहिए, 8421 का। अब जैसे मुझे 0 को लिखना है, 0 किसी भी नंबर के एडिशन से नहीं बनता है यहाँ पे, तो हम 0 में चारों वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। अब मुझे लिखना है 1, ठीक है, जहां पर 1 आ रहा है वहां पर 0 की बजाय क्या लिख दीजिए, 1। जैसे यहाँ पर 1 नहीं है, 8 है यहाँ पे, ये वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है ऊपर, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उस नंबर की वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, जहां पर वो वैल्यू बन रही है वहां पर हमें 1 रखना है। अब जैसे हमें 2 बनाना था, अब 2 हमें पता है इस लाइन में है, तो यहां पर सिर्फ 1 रखेंगे और बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू होती है बाइनरी नंबर में। ठीक है, 3 को देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। अब 3 किस तरीके से बन सकता है, जब मैं 2 और 1 को एड कर सकती हूँ तभी 3 आएगा,
तो टू और वन को ऐड करेंगे थ्री मिलेगा, तो हम दोनों जगह क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे और बाकी इस दोनों जगह जीरो को पुट करेंगे, ठीक है। फिर फोर आता है, फोर इसमें ऑलरेडी गिवन है, एट फोर टू वन का रूल है, तो जीरो वन जीरो जीरो। फिर फाइव को लिखना है, तो फोर और वन से फाइव बनता है, तो यहां पर हम वन लिखेंगे और जो बच गया वहां पे जीरो। अब सिक्स देखिए, फोर और टू से बनता है, तो जीरो वन वन जीरो। इसी तरीके से जो है आप 15 तक इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक रूल ये है, दूसरा रूल क्या है, हमें फोर फोर की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, हमें देखिए जीरो से लेकर एफ तक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एट टाइम्स आप क्या लगा लीजिए, जीरो लगा लीजिए, तीन चार पांच छ सात आठ, और एट ही टाइम वन पुट कर लीजिए, तीन चार पांच छ सात और आठ, ठीक है। ये जीरो की रिप्रेजेंटेशन, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब फोर हमने क्या किया है, एट टाइम जीरो एट टाइम वन, अब हम क्या करेंगे, फोर टाइम जीरो और फोर टाइम वन करते जाएंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फिर वन टू थ्री फोर। अब टू टाइम जीरो टू टाइम वन, 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 इस तरीके से। फिर वन टाइम जीरो वन टाइम वन, जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से जो है आपको करते हुए जाना है, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा। देखिए जीरो में हमने यही लिखा था कि फोर टाइम जीरो आ रहा था, इसमें भी जीरो में फोर टाइम जीरो है, वन में ट्रिपल जीरो वन था, तो यहाँ पर भी ट्रिपल जीरो वन है, तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपको जो याद रहे वो सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऐसे लिख के नहीं देख सकते, वहां पे हमें एट फोर टू वन का ही रूल जो है लगाना है। जैसे मान लीजिए मुझे डायरेक्ट वैल्यू बतानी है 15 की, ठीक है, वेट सॉरी एक मिनट, अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू बतानी है 15 की कि बाइनरी नंबर में 15 को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं पूरा लिख के नहीं देखूंगी कि 8 टाइम 0 फिर 8 टाइम जो है 1 ऐड करूंगी, नहीं, हम 8421 का रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 15 किस तरीके से बनेगा, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तभी हमें 15 बनेगा। तो 15 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, 111 लिखा जाएगा। अब मुझे अगर 10 लिखना है, 10 तो 8 और 2 को ऐड करने से बनेगा, तो ये 1010 हो जाएगी 10 की रिप्रेजेंटेशन। 12 लिखना है तो 8 और 4 12 होता है, तो 1100 हो जाएगी। 13 की लिखनी है तो 8 और 4 12 और 1 13 होता है, तो 1101 हो जाएगा। तो बस 8421 इसीलिए आपको याद रखना है, ताकि आप किसी भी नंबर को जो है उसमें लिख सके, ठीक है। चलिए आगे आता है कन्वर्जन। चार नंबर हमने पढ़े हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे उसकी बात आती है कन्वर्जन की, तो बाइनरी को अगर हमें अदर नंबर सिस्टम में करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए बाइनरी को हम डेसिमल में करेंगे, बाइनरी को हम ऑक्टल में भी करेंगे और बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में भी। ऐसे ही डेसिमल नंबर को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में भी, हेक्साडेसिमल में भी। ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, एंड देन हेक्साडेसिमल को भी, तीनों में, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ हम एक नंबर लेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें पूरे क्वेश्चंस को निकालना है, यानी कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है उसी सिर्फ एक नंबर पे निकालेंगे, और कैसे जो है फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो एक नंबर जो हम ले लेते हैं, वेट एक मिनट, नंबर लेते हैं हम 243, ठीक है, देख देती हूँ मैं। चलिए अब देखिए, एक डेसिमल नंबर ले लिया हमने, डेसिमल नंबर लिया मैंने 243, लिख देती हूँ मैं यहां से, इसके बेस से पता चल जाएगा कि कैसा नंबर है। 243 कैसा है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इस डेसिमल नंबर को अगर मैं बात करूं बाइनरी में, तो बाइनरी में किस तरीके से लिखा जाता है इस नंबर को, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्टल में 243 को, तो ऑक्टल में इसको लिखा जाता है 3638, ठीक। और अगर मैं हेक्साडेसिमल में बात करूं तो इसी डेसिमल नंबर को लिखा जाता है किस तरीके से, F3 करके लिखा जाता है, ठीक।
तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन रहेगा वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से हमें ये आंसर मिलेगा, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें कि हमें 363 मिल जाए, या हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करें कि F3 मिल जाए। देखिए डेसिमल से जब भी आप किसी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे बाइनरी है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में, सबसे ईजी होता है डेसिमल से कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सीखते हैं, और ये याद रखिएगा कि इसमें ये चीजें बन रही थी और हमारा आंसर यही आना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम डेसिमल नंबर ले लिया मैंने 243 10, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसको लिखे यहां पे, एलसीएम मेथड से होता है ये, तो इसको हम डिवाइड करते जाएंगे किससे, 2 से। ठीक है, करते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि रिमाइंडर को हम यहां लिखेंगे। ठीक, फिर 2 6 12 0 और यहां पे बचेगा 1, फिर 2 30 बचा 0, 2 15 फिर से 0, 2 7 14 होता है तो 1 आ जाएगा, 2 3 6 होता है 1 आ जाएगा, 2 1 2 होता है, यहां पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें जो है यहां पे क्या बनाना था, वन ही जो है हमें लेके आना है यहां पे, एक मिनट, 2 1 ओके, 0 लेके आना है हमें यहां पे, 2 अब नहीं जाएगा इस पे तो 0, और ये रिमाइंडर जो है एज इट इज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे नीचे से, यहां पर जब तक 0 नहीं होता है तब तक आपको चलाते हुए जाना है, इस 0 को नहीं लेना है हमें, हमें यहीं से शुरू करना है लिखना। तो इस नंबर को लिखेंगे जब हम, तो ये आएगा 4 टाइम 1, ठीक है, 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1, ये बन जाएगा हमारा बाइनरी कन्वर्जन। तो आप देख सकते हैं 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 था, और यहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को चाहे बाइनरी में करना है तो उसके बेस से जो है आपको ऐसे डिवाइड करते जाना है। अब जैसे मुझे ऑक्टल में करना है तो मैं 2 की जगह किससे डिवाइड करूंगी, 8 से डिवाइड करूंगी, तो ये भी हम कर लेते हैं। 243 यानी कि डेसिमल को हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है तो मैं 8 से डिवाइड करूंगी, 8 3 24, ठीक है, 0 और 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, यहां से 8 2 16, 8 3 24, तो यहां से 6 आ जाएगा। अब यहां पर भी नहीं जाएगा तो हम 0 रखेंगे और 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 0 आ गया, यहीं पर स्टॉप कर देना। अब यहां से नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 3 और ये आ गया ऑक्टल नंबर में। ठीक है, अब 243 को अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है, तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए 16 1 जा 16, 4 4 8, ठीक है, ये बनेगा। यहां से अगर हम कन्वर्ट करें 15 पे जाएगा, 16 5 80 और 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 16 नहीं जाएगा, 0 और 15 यहां आ जाएगा। फिर से इसको लिखना शुरू करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 15। 15 को हमें पता है ना कैसे लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, 15 को हम F लिखते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, F3 लिखूंगी। 153 आपको नहीं छोड़ना है, 15 को F ही आपको लिख के दिखाना है, तो F3 16 हो जाएगा। और बिल्कुल यही आंसर आपने देखा था, मैंने शुरू में बताया था कि डेसिमल नंबर जो 243 है उनको अलग अलग फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना आपने देख लिया, बहुत ईजी है। वही आपको एलसीएम मेथड लेना है, बाइनरी में कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते जाइएगा, ऑक्टल में कर रही है तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, अगर हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड कीजिएगा, सिंपल है। तो ये सारे नंबर जो है वो हमारे निकल गए हैं, डेसिमल से हमने हर एक में कन्वर्जन करना सीख लिया है। अब बाइनरी से कन्वर्जन करना सीखेंगे, बाइनरी से नंबर हम चेंज नहीं करेंगे, नंबर हम यही रखेंगे। बाइनरी में हमने देखा था 243 को कैसे लिखा जाता है, 444 था, 00 था, 11 था, ये वाली चीज लिखी जाती है। और इस नंबर को अगर मैं कहूं तो तीनों में अलग अलग में कैसे लिखा जाता है, देखिए ऑक्टल में 363 था, हेक्साडेसिमल में F3 था और डेसिमल में कितना था, 243 था। ठीक है, बस अब हमें इसी में चेंज लेके आना है अब ये। तो बाइनरी नंबर को अब हमें
हर एक नंबर में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि क्या हम इस नंबर से वापस 243 लेके आ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये था, 4 टाइम 1 था, 2 टाइम 0 था और 2 टाइम 1 था। ठीक है, अब यहां से शुरू कर दीजिए लिखना। बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो जिस नंबर से कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी पावर लेके जाइए, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, इसके नीचे एरो लगा के लिखिए 2 की पावर 3, इसके नीचे एरो लगाइए 2 की पावर 4, इसके नीचे लगाइए 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और लास्ट नंबर जो बनेगा वो है 2 की पावर 7। ठीक है, अब जिस और जिस नंबर के नीचे जो भी एरो के नीचे लगाया है उन दोनों के मल्टीप्लाई, जैसे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 से, फिर इसमें ऐड कर देंगे इस नंबर को 1 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 से, देखिए कैसे होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। यहां पे देखिए ये वाली जो चीजें इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब अगला है 1 इंटू 2 की पावर, सॉरी यहां पे नहीं लिखा जाएगा, आगे कर लेते हैं, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 और लास्ट जो हमारा नंबर है वो है 1 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दी गई है तो उसका मतलब वो 1 हो जाएगा। अब जैसे 1 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा 0, ये वाला 0 भी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब है 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4। 2 रेस टू पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 16 होते हैं, लिख लिया हमने, प्लस 2 रेस टू पावर 5 32 हो जाएगा, 16 दुनी 32 और 2 रेस टू पावर 6 64 हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 7 2 चौका 8 तो 128 हो जाएगा। बस इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, अगर ऐड करेंगे तो देखिए 128 64 32 16 और 3, 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15 और 8 23 तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 6 14 और 1 ये 1 और 1 2 आ गया 243। बस यही चीज इसमें आपको करनी थी, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 243 10। ये हो गया हमारा बाइनरी से किसमें कन्वर्जन, डेसिमल में, और देखिए आंसर बिल्कुल वही आया है 243 की पावर 10 मतलब बेस 10। अब इसी नंबर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर लिख लेते हैं हम। नंबर था हमारा कुछ ऐसे, 4 टाइम 1 था, 2 टाइम 0 था और 2 टाइम 1 था, ये वाला नंबर था। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखिए किस तरीके से होगा, ऑक्टल में हमें पता था क्या आंसर मिलना चाहिए हमें, 363 मिलना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था चार चार के पेयर होते हैं, इस तरीके से हमने कुछ पढ़ा था। देखिए 8421 के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, जीरो को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 000 लिखा जाता है, 1 को कैसे लिखते हैं, 001 लिखा जाता है, 2 को 100 लिखते हैं, ठीक है, 3 को 0011 लिखते हैं, 4 को 0100 लिखते हैं, अप टू सो ऑन, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, ये जो चारों कोड हम लेंगे ये किस में लेंगे, हम हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में हम इस तरीके से वैल्यू देखेंगे जो चार चार के पेयर से बन रही है। लेकिन जब हम ऑक्टल में देखेंगे तो जो लास्ट 3 वर्ड्स होंगे ना, 3 वाला जो पेयर बनेगा उसको चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, जो पेयर रह जाएगा उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, फिर 0 ऐड कर देंगे उसके लेफ्ट साइड में। ठीक, अब देखिए एक पेयर मेरा ये बन रहा है 011 का, दूसरा पेयर मेरा बन रहा है 110, यानी कि 3-3 का ही पेयर आपको बनाना है। अब यहां पे बच गए हमारे दो नंबर 11, तो मैं इसमें क्या करूंगी, 0 को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे तीन पेयर यहां से बन रहे हैं 011 110 और 011। अब देखिए 011 किसमें लिखा जाता है, देखिए 8421 का है, लेकिन मैंने कहा ऑक्टल में सिर्फ आपको 421 के अकॉर्डिंग ही चलना है,
तो यहाँ पे 421, अगर मैं 421 के नीचे इस वैल्यू को रखती हूँ 011, तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, 2 और 1 3, ये 3 की वैल्यू बन रही है, तो मैंने इसको 3 लिख दिया है। अब देखिए ये 110, अगर मैं 421 के अकॉर्डिंग लिखती हूँ 110, तो ये 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 0 है, तो ये किसकी वैल्यू बनी, 4 और 2 6, जिसके नीचे 1 है सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ये 6 की वैल्यू बनी, तो मैंने यहाँ लिखा 6। अब बचा मेरे पास 011, हम पहले ही देख चुके हैं 3 की वैल्यू है, तो ये 3 आ जाएगा यहां से, तो ये बन गया हमारा 363। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन किसमें, ऑक्टल में, और यही हमने पढ़ा था कि ऑक्टल में यही वैल्यू जो है इसकी बनेगी। तो यही चीज बस इसमें आपको याद रखनी है, जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 8421 के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि वहां पे हमें 4 के पेयर बनाने होते हैं। अगर आप ऑक्टल में कर रही हैं तो 421 के अकॉर्डिंग चलिए और वहां पर 3-3 नंबर्स के पेयर जो है आप बना के करिएगा। ठीक है, अब बारी आती है इसी नंबर को किसमें कन्वर्ट करने की, हेक्साडेसिमल में। तो करते हैं, देखिए नंबर था भाई हमारा 0, सॉरी एक मिनट, नंबर था 4 टाइम 1 था, 2 टाइम 0 था और 11 था, ये वाला नंबर था। अब हमें इसमें को किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखिए हमें 4-4 के पेयर बनाने हैं 8421 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, 4-4 के 2 पेयर जो है हमने बना लिए हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं लिखूं 8421, तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, 213, तो ये 3 की आ जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे 8421, तो 8 4 12 2 14 1 15, ये 15 की वैल्यू बन रही है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, F316। और हमने देख लिया था कि इस बाइनरी नंबर को F316 ही जो है लिखा जाता है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में, तो ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए डेसिमल से हर एक नंबर में कन्वर्ट करना सबसे इजी है, फिर बाइनरी नंबर को हर एक में कन्वर्ट करना भी इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई बार जो है बाइनरी से डेसिमल में बनाने में जो है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, ये वाला जो हम 2 रेज़ टू पावर 0 वाला करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत होने के भी चांसेस होते हैं ना, कई बार 0 की मल्टीप्लाई करें यानी, या फिर कई बार ये हो जाता है कि 2 की पावर 0 को भी वो 0 कर देते हैं, सिर्फ वो वाली चीज हो जाती है। अदरवाइज बाइनरी को फिर ऑक्टल में करना तो बहुत ईजी है, और हेक्साडेसिमल में तो आपने देख ही लिया है 6, ऑक्टल में 3 पेयर आपको बनानी है, हेक्साडेसिमल में 4 पेयर बनानी है, सिंपल है बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया अब हमारा यहाँ से सारी चीजें, बाइनरी सॉरी डेसिमल से कन्वर्जन हमने देख लिया तीनों नंबर्स में, बाइनरी से हमने कन्वर्जन देख लिया तीनों में। अब बात आती है ऑक्टल नंबर की, कि ऑक्टल से हम तीनों में कैसे कन्वर्ट करें, चाहे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, चाहे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, चाहे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्टल से किस में करना सीखेंगे, डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो हमने कौन सा पढ़ा था, ऑक्टल में हमने जो नंबर लिया था वो था हमारा 363, ये वाला नंबर था, और इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है, डेसिमल में इसको लिखा जाता है 243, ये लिखते हैं। तो ऑब्वियस है, अब हमें देखना है कि 243 जो है यहां से कैसे निकल के आ सकता है। राइट, वेट एक मिनट, चलिए देखिए वही हमने जैसे बाइनरी से डेसिमल में किया था, तो क्या किया था, 2 की पावर 0 करते आए थे हम, तो इसमें 8 की पावर 0 करनी है। अब जो हमारा नंबर है 363, इसमें हम यहां से शुरू करेंगे, 8 की पावर 0, ये 8 की पावर 1 और ये 8 की पावर 2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 0 × 3 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिखेंगे। अब 8 की पावर 0 मतलब 1 1 × 3 3। ठीक है, 8 की पावर 1 है तो 8 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 6 48। ठीक है, ये 8 की पावर 2 है तो 64 64 को 3 से करेंगे तो 3 4 12, 1 3 6 18 और 1 19, 192। इन सभी नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं, देखिए 48 और 3 8 2 10 और 3 13 1 9 10 और 4 14 1 1 और 1 2 आ गया 243। ठीक है, बस आपको बस यही चीज याद रखनी है, चाहे बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल से हम चाहे बाइनरी करें, ऑक्टल करें या फिर हेक्साडेसिमल करें, तो वहां तो हमारा चलता है एलसीएम रूल।
ठीक है, फिर जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ओके? और जब हमें किसी भी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो उसके बेस से हम बेस की पावर जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था तो हमने टू की पावर जीरो से स्टार्ट किया था लिखना, ऑक्टल में कर रहे हैं तो एट की पावर जीरो से लेके कर रहे हैं, यही अगर हम हेक्सा डेसिमल में करेंगे तो ये यहाँ पे 16 की पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है? तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ऑक्टल से हमने डेसिमल पढ़ लिया है, अब हम आते हैं ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करें, ठीक है? 363 नंबर था हमारा ऑक्टल में, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक? तो करते हैं, देखिए 363, अब देखिए 3 को हम जो है उसी पेयर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम हमारा 421 वाले पेयर के अकॉर्डिंग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1 लिख सकते हैं ना, यही लिखा जाएगा। फिर 6 है, 6 में हमारा क्या होना चाहिए, 426 होता है, तो 110 लिख सकते हैं, और इस 3 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1 लिखेंगे, ठीक है? और यही हमने बाइनरी में पढ़ा था, ये वाली 0 को कोई मोल नहीं है, अगर आप देखेंगे बाइनरी में तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा, 4 टाइम 1 था, ठीक, 2 टाइम 0 था और 2 टाइम 1 था, यही बन रहा था हमारा नंबर, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? सिंपल है बिल्कुल भी, बिल्कुल हमने 3 का पेयर ले लिया। बस अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप 363 को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्सा डेसिमल में, सॉरी ये 8 था इसकी पावर, हेक्सा डेसिमल में, तो यहां पे आप 4 के पेयर के अकॉर्डिंग मत कर देना, बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। इसको पहले आप किसमें कन्वर्ट करोगे, बाइनरी नंबर में, जो हमने यहां पे कन्वर्जन किया ना पहले, पहले ये करेंगे एंड देन उसके बाद इसको हेक्सा डेसिमल में लाएंगे। तो बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखा हमने, 0111 होता है और 110 होता है और ये 011 होता है। इस तरीके से पहले हमें क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में लेके आएंगे, तब हमारा होगा कन्वर्जन ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल में। तो बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है कि जब भी आप ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल करेंगे सबसे पहले आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड देन उसके बाद हेक्सा डेसिमल में। अब हमारा बाइनरी नंबर आ गया है तो हेक्सा डेसिमल में हमें पता है 4-4 के पेयर बनते हैं, तो 4-4 के पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, ठीक है? इसको आप छोड़ सकते हैं 0 को। अब देखिए ये है 0011, इसको क्या लिख सकते हैं, 0011 को हम 3 लिख सकते हैं, और ये 4 टाइम 1 को हम क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आ गई, F3 आ गई यहां से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हम पढ़ते आ रहे कि 363 को हेक्साडेसिमल में F3 लिखा जाता है, ओके? बार बार ये बस जो याद रखना है वो यही है कि ऑक्टल में तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इस नंबर को जो है बाइनरी में चेंज कर दिया, ठीक है? लेकिन अगर हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना है तो सबसे पहले हमें ऑक्टल को बाइनरी में लेके आना है, देन बाइनरी के नंबर के पेयर बनाएंगे हम, ठीक? बस ये चीज थी इसमें। तो ये हमारा कन्वर्जन ऑक्टल से हर एक नंबर में हमने पढ़ लिया, अब हमारा आता है हेक्साडेसिमल से, अब जब हमें कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करें, तो वही हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं F3। F3 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ F3 को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डेसिमल नंबर में, ठीक है? ओके, देखिए कैसे करेंगे। अब F3 का मतलब क्या है, यहां पे F का मतलब क्या है, F का मतलब है 15, ठीक है? तो इसको 15, ये 15 आप पेयर में ही रहने दीजिएगा, 15 3, ओके, ये वाला बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, ये वाला बन जाएगा। तो 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 15, ये बन जाएगा। अब 16 की पावर 0 का मतलब 1 1 इंटू 3 3 प्लस 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना होता है, 240 होता है, और 3 इंटू 1 1 3 होता है, तो ये आ गया 243। ये नंबर जो है हमारा डेसिमल में क्या रहेगा, 243 हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ओके? अब देखिए इसी नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 15 था और 3 था, इसको 4-4 के पेयर में लिखेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0011 लिख सकते हैं, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम 1 लिख सकते हैं। ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, ठीक है? अब
एक पॉइंट आपको ऑक्टल में याद रखना था कि जब हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करेंगे तो पहले हम किस में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी नंबर में। यही चीज इसमें आपको याद रखनी है कि जब आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे F3 है हेक्साडेसिमल में, तो हम सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट जब मैंने किया इसको तो ये कुछ इस तरीके से आ गया बाइनरी में। अब हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे और ऑक्टल में हम कितने के पेयर लेते हैं, 3 नंबर्स के पेयर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने 3 नंबर्स के पेयर जो है बनाइए। अब कुछ नहीं है, 2 नंबर का बन रहा है तो एक जीरो को हमने इसमें ऐड कर लिया। तो ये हमारा 0113, 110 क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है, और ये 3 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3638, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये होगा कन्वर्ट। तो सारे के सारे कन्वर्जन जो है हमने पढ़े हैं, चाहे डेसिमल से हर एक में कन्वर्ट करना हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको, मेरे अकॉर्डिंग जो है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो आपको समझ ना आए, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। आपको 1 से 2 चीजें हैं जो आपको मेनली याद रखनी है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन के, ठीक है। अब इसमें ये तो आपने सीख लिया, अगर सिंपल नंबर आपको दिया है तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन यही चीज अगर आपको पॉइंट्स में दे दी जाए तो वहां पे आप किस तरीके से जो है इसको करेंगे वो और जो है हम सीखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बाइनरी से कन्वर्जन करना सीख रहे हैं अदर नंबर्स में, अगर वो वैल्यूज पॉइंट्स में दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया है कुछ इस तरीके से 10110.001 और इसका बेस दे दिया गया है 2। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में हमने 2 की पावर 0 करके पढ़ा था, ठीक है। तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा उसको तो हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक। यहां से देखिए शुरू करते हैं, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो लिख भी ले लीजिए इसको बेशक। तो ये हो जाएगा 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4, ये हो गया, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला हो गया। अब डेसिमल के राइट में भी अगर आप देखेंगे तो 001 जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसको किस तरीके से आपको लिखना है, इसको आप लिखेंगे इसमें जो हम वो करते जाएंगे ना पावर माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 0, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 × 2 की पावर -1 प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3, ओके, ठीक है। तो इसमें हमने यहां से 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, जो भी हमारा पॉइंट था उसके लेफ्ट साइड पे 0, 2 की पावर 0 से, और पॉइंट के राइट साइड में हम 2 की पावर -1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखनी है, बाकी वही है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे 0 को 2 करेंगे तो 0 रहेगा हमारा, प्लस 1 × 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अगला 0 हो जाएगा, 2 की पावर 4 2 × 2 = 4 × 8 = 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 × 2 की पावर -1, 0 को अगर हम किसी से भी प्लस वो करेंगे तो 0 ही रहेगा हमारा। अब ये है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 पावर को जब हम प्लस में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 8 आ जाएगा ये, 1/8, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, नहीं जाएगा ये, तो ये रहेगा 8 × 8, 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, ये बन जाएगा 1/8। तो यहाँ पे इस 1/2 की पावर 3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0.125, एंड देन इसको ऐड कीजिए आप, 4 × 2 = 6, 6 × 16 = 22, तो 22 तो हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये वाला जो था ये इनका कन्वर्जन है, जो माइनस वाले थे उसको साथ में जोड़ दीजिए, 22.125, ये यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्जन इसका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज थी जो इसमें आपको याद रखनी थी, ठीक है। इसी तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल में कर सकते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे,
एक नंबर ले लेते हैं, जैसे वहां पे हम क्या करते हैं जब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते हैं तो तीन तीन के पेयर बनाते हैं, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉइंट्स वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, पॉइंट्स में होंगे 3 4 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में चेंज करना। तो तीन तीन के पेयर बनाते हैं तो पॉइंट्स की लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं पेयर बनाना। तो देखिए एक पेयर हमारा ये बन जाएगा 0 1 1 का, दूसरा हमारा क्या बनेगा 1 0 1 का, इससे तीसरा बनेगा हमारा 1 1 0 का, और ये हमारा पूरा बन गया 1 1 1 का। ये चार पेयर बनेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में। अब बात आती है पॉइंट के राइट साइड की, तो राइट साइड में देखिए राइट साइड में भी जो हमें तीन तीन के पेयर बनाने हैं तो ये बना 0 0 1, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ वन बचा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो राइट साइड होगा ना उसके राइट साइड ही हम जीरो को ऐड करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे थे। देखिए अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर पेयर कम रह जाता है तो लेफ्ट साइड में जीरो ऐड करिएगा, और अगर पॉइंट के राइट साइड में जीरो सॉरी पेयर कम रह जाता है तो राइट साइड में ऐड कीजिएगा। तो ये वाली चीज इसमें आपको याद रखनी। तो यहाँ पे बन के उस तरफ जो है ये दो जीरो ऐड हो जाएंगे। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्या नंबर जो है बन के आएगा। ये वैल्यू देखिए सबसे पहले किसकी है, 3 की वैल्यू है। ये किसकी है, 4 to 1 वाला रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये 5 की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी है, ये 6 की वैल्यू है, और ये 7 की वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे 0 0 1 किसकी वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, और ये 4 की वैल्यू। तो यहां से आंसर आ जाएगा 7653.14, और इसका बेस 8, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने पहले वाला कन्वर्जन किया, सिर्फ फर्क क्या देखने को हम मिला हमें, जब हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे थे तो पावर जो थी वो माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही पेयर बना के किया, लेकिन इस बार हमने जीरो को कहाँ पे, राइट साइड पे ऐड किया है, ना कि लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट में पेयर कम रहता तो हम लेफ्ट में ही ऐड करते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाले में हम राइट साइड में हम जीरो को ऐड करेंगे, क्योंकि हम पेयर यहां से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कमी नहीं है तो फिर तो जीरो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज अब आपको किसमें करनी है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, इस बार हम चार चार के पेयर बना लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 के बनाए हैं वहां पे आप 4 के पेयर बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पूरा 4 का पेयर बन जाएगा, बस आप उसके अकॉर्डिंग अब आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 1 0 1 1 है तो 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू होगी, 8, और 2 10 16 11 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 11 की वैल्यू रख दीजिए, सिंपल है बिल्कुल ऐसे ही, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही जो है ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया बाइनरी से जब हमें इन नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ओके, अब आपसे ओवेस है डेसिमल से भी जो है कन्वर्ट करना पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, तो वहां पे कैसे करेंगे, देखिए देखिए अब हम डेसिमल नंबर लेते हैं और सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं किसमें, बाइनरी में। जैसे मैंने एक नंबर लिया डेसिमल में 152, लेकिन पॉइंट में ले रहे हैं हम 10, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में, ठीक है। अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जो आपका ये वाला जो नंबर है पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, इसको हम किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करते जाइए वही हमारा, देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए एलसीएम वाला मेथड जो था, 2 से 14, 2 6 12, कोई रिमाइंडर नहीं तो 0 लगा दीजिए, 2 3 6, ठीक है, 2 8 16, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 और 2 9 18, 0 आ जाएगा, 2 9 18 1 आ जाएगा, 2 4 8 1 आ जाएगा, 2 2 4 0 आ जाएगा, और 2 1 2 ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से हमें 0 लेके आना होता है इधर, तो 0 1, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया, हम सिर्फ 152 ले रहे हैं, तो 152 की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 1 0 0 1 और 000 जो है यहां से आ गई है, ठीक है। ये हमारा बाइनरी में हो गया, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 0.25 भी है, तो इसको भी तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, अब दूसरी तरफ क्या रूल लगेगा, डिवाइड के अपोजिट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का रूल लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0.25 था ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, ठीक है, 1 2 2 4 1 5, 0.50 आएगा, ठीक है।
कैरी में कुछ भी नहीं गया है, यानी कि जो हमारा पॉइंट की उस तरफ था कुछ नहीं है, तो जीरो का जीरो रहा। फिर इसी 0.50 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 0.25 को किया, अब जो नंबर आया है, रिजल्ट आया, उसको हम 2 से करेंगे। तो हो जाएगा 2 0 2 5 10। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 जो है वो कैरी में चला गया है, तो उस कैरी वाले को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमें पूरा जीरो जो है पॉइंट के बाद बनाना है, इस पॉइंट के बाद हमें पूरा जीरो रखना है। ठीक है, जैसे ही हमारा पूरा जीरो हो जाता है, हम उस रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से लिखा जाएगा 100100000 पॉइंट, यहाँ ऊपर से लिखना शुरू करेंगे कैरी वाले को 01, तो ये हो जाएगा 01। और ये पूरा कन्वर्जन आ जाएगा डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज होगा, ये आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल वही है, डेसिमल से जब हम बाइनरी में करते थे तो हम डिवाइड रूल लगाते थे, अब अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर पे आप मल्टीप्लाई का रूल लगाइए। ठीक, थोड़ा बहुत है जो आपको याद रखना है, अदरवाइज आप कर लेंगे। ओके, अब यही चीज अगर आपको डेसिमल की ऑक्टल में चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले है लेफ्ट साइड है उसको तो आप 8 से करेंगे, जो हम सिंपल करते हैं। ठीक है, और जो दूसरी साइड है वहां पे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं, वही आपको 16 वाले में करना है, फिर एग्जैक्ट डेसिमल में। यही नंबर मैं ले लेती हूँ, 152.25 ये है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं 152 को करूंगी चेंज। ठीक है, 8 * 8 15 में से 8 जाएगा, 8 * 9 = 72। ठीक है, 19 जीरो बचा, अब फिर से 8 से, 8 * 2 = 16 3 आ जाएगा, अब ये 0 ये बचा, तो यहां से आंसर आ गया मेरा 230, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास 0.25 भी बचा है, तो 0.25 को क्या करूंगी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 8 * 5 = 40 4 * 8 * 2 = 16 4 = 20। देखिए पॉइंट के पास 0 0 बन गया है, कैरी में कितना गया 2 गया है, कैरी में कितना गया 2 गया है, तो ये वैल्यू जो है इसके साथ जुड़ जाएगी, 230.2 जो है इसका ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था सिंपल, यही 16 में करना है। पहले 152 को डिवाइड कीजिएगा 16 से, ठीक, फिर जो भी पॉइंट के बाद नंबर है 0.25 इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 * 5 = 80 8 16 * 2 = 32 8 = 40। अब कैरी में कितना गया 4 गया, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 आ जाएगी वैल्यू, और आगे जो कन्वर्ट करके आएगा वो वैल्यू रहेगी। सिंपल था बिल्कुल ये। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया पॉइंट्स में चेंज करना। चलिए अब हमने डेसिमल सीखा, बाइनरी सीखा, बाइनरी से भी कन्वर्जन करना सीख लिया, डेसिमल से भी पॉइंट्स में कन्वर्जन करना सीख लिया, अब हमारे पास क्या बचता है ऑक्टल का। चलिए देखते हैं ऑक्टल को, अगर हमें सबसे पहले अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मैंने नंबर लिया एक 152.258, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें, डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है अब इसको, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो सिंपल नंबर था उसमें क्या रूल पढ़ा था, 8 की पावर 0 करके था ना, तो पहला वाला जो पॉइंट से पहले वाला है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। ये हो जाएगा 8 * 0 * 2 + 8 * 1 * 5 + 8 * 2 * 1। ठीक है, प्लस, अब पॉइंट के उधर वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, जैसे 2 * 8 * -1 + 5 * 8 * -2। भाई जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम एंड देन इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है यहां से निकल जाएगा। ठीक, ओके, अब देखिए यही अगर ऑक्टल नंबर बाइनरी से कन्वर्ट करना आ जाए, ये इसी ऑक्टल को 152.258 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना आ जाए तो कैसे करेंगे, वही 3 3 का पेयर, जैसे 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 010, 5 को कैसे लिखेंगे 101 लिखेंगे, और 1 को 001 लिखेंगे, ये हो गया यहाँ पे। अब पॉइंट वाली वैल्यूज भी आपको इसी तरीके से करनी है, 2 को क्या लिखा जाता है 010 लिखा जाता है, और 5 को क्या लिखा जाता है 101 लिखा जाता है। ये लीजिए हो गया ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में आ जाए तो क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करेंगे पहले, तो ऑक्टल से पहले हमें बाइनरी में लेके आना है, देन हेक्साडेसिमल। अब हमने ऑक्टल से बाइनरी में बनाया, तो अब हम इस ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं,
तो चेंज करने के लिए क्या, चार चार के पेयर बना लीजिए यहाँ पे, और जहां पे नहीं ऐड हो रहा है वहां पे जीरो ऐड कर दीजिए, जहां पे पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे चार का पेयर बनाए, यहाँ पे 0100 हो जाएगा। अब देखिए 1010 का मतलब क्या है, 8421 के अकॉर्डिंग 8 2 6 है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा, नहीं ये 6 नहीं बनेगा, 8 2 10, 10 की वैल्यू बन रही है, ये 10 आ जाएगा ये, ओके। और इसमें अगर आप देखेंगे 8421, ये 6 की वैल्यू बन रही है, ठीक है, और ये 0 की वैल्यू बन रही है। तो 6 और 10, 10 को कैसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, 6A पॉइंट, ये वैल्यू देखिए किसकी है, 8421 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 5 की है, तो ये 5 की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है 8421 के अकॉर्डिंग 4 की है, तो 6A.542 जो है इसका आंसर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, सेम आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जब आप करेंगे, जैसे हेक्साडेसिमल आपने कोई नंबर लिया उसको आपको करना है किसमें चेंज, डेसिमल में, तो वही आप 16 की पावर 0 करते जाइए पॉइंट से लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या करेंगे, पावर माइनस होती जाएगी, ठीक है। अगर इसी ऑक्टल को आपको किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चार चार की पेयर बनाइए, लेफ्ट साइड भी बनाइए और पॉइंट की राइट साइड भी बनाइए, ठीक है, और नंबर्स को उसी तरीके से लिखना फिर पॉइंट में भी, ठीक। और इसी ऑक्टल को अगर आप, सॉरी हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में चेंज करना है, तो पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर तीन तीन के पेयर बनाकर उस नंबर को ऑक्टल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा कन्वर्जन होता है, ठीक। हमने इससे पहले जो है सिर्फ सिंपल पढ़ा था, पॉइंट वाले क्वेश्चन आई थिंक नहीं किए थे, तो इसमें मैंने आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन भी जो है बता दिए हैं। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर कन्वर्जन का दिया भी जाएगा तो पॉइंट वाले ही जो है सिर्फ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट कन्वर्जन। कोई भी एक नंबर उठाइए, उसको चारों फॉर्म में लिखिए, एंड देन उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि हर एक में क्या वही निकल रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ एक नंबर लेना है और उसको चारों फॉर्म में जो है आप बदल के लिखिएगा, ठीक, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। जिस कंप्यूटर में हमारा जो मेनली बचा है ना, वो हम कोड और करेंगे एक बार, ठीक है। कोड जैसे ABCDIC कोड, EBCDIC कोड है, ASCII कोड है, या फिर हमारा जैसे बाइनरी एडिशन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पूछ लिया जाता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, वो हम कोड के साथ ही जो है पढ़ लेंगे, ठीक। तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, स्पेशली जैसे ASCII या EBCDIC जो कोड होती है, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाती है, तो वो सारा हम देखेंगे कि किसकी कितनी रेंज होती है, वो नेक्स्ट में हम देखेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।